देवभूमि उत्तराखंड का हरिद्वार जिला इस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या है जल निकासी की, जिसके चलते आज हरिद्वार के लोगों ने रोशनाबाद में हरिद्वार डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। दरअसल उत्तराखंड का हरिद्वार जिला पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के छोटे छोटे गाँव के लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके चलते अब हरिद्वार की आबादी भी बढ़ने लगी है और लोग हरिद्वार में भी अपना पक्का आशियाना भी बना रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में आम जनता एक बड़ी गलती कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो स्वच्छता को लेकर उत्तराखंड का जिला हरिद्वार का हर एक विभाग सचेत है, लेकिन अगर बात करें हरिद्वार जिले की प्राइवेट संस्थानों की, तो प्राइवेट संस्थान छोटी छोटी कॉलोनी को काट कर अपने फायदे के लिए जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसा ही एक विवाद हरिद्वार के दादूपुर कॉलोनी राधिकापुरम समेत तमाम कॉलोनियों से सामने आया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के कई इलाकों में जल निकासी की समस्या काफी बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार की आम जनता काफी परेशान है। ऐसे में आज हरिद्वार की जनता ने डीएम विनय शंकर पांडे के कार्यालय के बाहर धरना देने का फैसला लिया और जनता सुबह सुबह हरिद्वार डीएम कार्यालय के बाहर धरना देने पहुँच गयी। आपको बता दें कि दादूपुर, गोविंदपुर के शिव विहार, राधिकापुरम और सोना विहार कॉलोनी की जनता अपने क्षेत्र की जल निकास की समस्या को लेकर रोशनाबाद स्थित हरिद्वार डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी बात रखी, जिसके बाद डीएम खुद जनता के बीच उनकी समस्या सुनने पहुंचे और परेशान जनता ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद डीएम विनय शंकर पांडे ने जल्द ही समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। देशित न्यूज आपको इस खबर से अवगत कराना चाहता है कि अगर आप हरिद्वार में नई जमीन और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आसपास की परेशानियों को जांच परख कर खरीदें, ताकि आपको भी इस तरह की समस्या से जूझना ना पड़े। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देशित न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।